हेलो एवरीवन, हमारे आपके यूट्यूब चैनल आईसीसी फिजिकल एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसमें जो है लिटरेचर स्कूल एजुकेशन में वैकेंसी आई है। हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी इसमें निकली है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो आप वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह न्यू अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अगर आपको कोई डाउट हो, इश्यू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लिटरेचर स्कूल एजुकेशन के निम्नलिखित विषयों पर जो है भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये फॉर्म कब सबमिट होंगे, इनकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, पद अस्थाई है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की जो है मतलब जो पोस्ट खाली है उनको पूरी करने के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें बायोलॉजी की 162 पोस्ट है। यहाँ पर जनरल, EWS, SC, ST, OBC और MBC ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट इन्होंने दी हुई है। फ्रेंड्स, इस ये जो फॉर्म डल रहे हैं, ये जो आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दें, अस्थायी तौर पर है ये। ठीक है, स्थायी भर्ती नहीं है। बात करें यहां पर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की टोटल 162 पोस्ट है, कॉमर्स की 130 पोस्ट है, म्यूज़िक की 12 पोस्ट है, ड्राइविंग की जो है 70 पोस्ट यहाँ पर है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वीडियो को पोस्ट करके देख लें यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ड्राइंग की 70 पोस्ट हो गई, एग्रीकल्चर की 280 पोस्ट, जियोग्राफी की 793 पोस्ट, हिस्ट्री की 807 पोस्ट, हिंदी की 1462 पोस्ट और पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर 1196 पोस्ट है, इंग्लिश की 342 पोस्ट है, संस्कृत की 194 है, केमिस्ट्री की 122 पोस्ट खाली है, होम साइंस की 22 पोस्ट, फिजिक्स की 82 पोस्ट और मैथ्स की है 68 पोस्ट, इकोनॉमिक्स की 62 पोस्ट। ठीक है, 62 पोस्ट यहाँ पर इकोनॉमिक्स की है और सोशियोलॉजी की 13 पोस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है 9 पोस्ट खाली है यहाँ पर। साथ ही पंजाबी जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है वो 15 पोस्ट खाली है, पंजाबी उर्दू की 40 पोस्ट है। अब बात करते हैं कोच की। ठीक है, रेसलिंग के कोच की यहाँ पर 1 पोस्ट खाली है, जो भी सिर्फ जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी से अगर कोई कोच है जिन्होंने NIS से जो है रेसलिंग का डिप्लोमा कोर्स किया है, या MPED है जिनका मेन गेम रेसलिंग है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, वो यहाँ पर जो है इसमें एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, और भी हम नीचे देखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कोच खो खो। ठीक है, खो खो के कोच की 1 पोस्ट खाली है, वो भी जनरल से। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से, जनरल से। और हॉकी कोच की 1 पोस्ट खाली है, वो भी जनरल कैटेगरी से, यहाँ पर अदर कैटेगरी में 000 दिया गया है। ठीक है, जिम्नास्टिक कोच की 1 पोस्ट खाली है, वो भी जनरल कैटेगरी से है, और फुटबॉल कोच की 3 पोस्ट खाली है, तीनों जो है जनरल कैटेगरी से यहाँ पर है। ठीक है, तो कोच की यहाँ पर रेसलिंग, खो खो, हॉकी, जिम्नास्टिक और फुटबॉल की पोस्ट है। साथ ही देखें फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन की टोटल 112 पोस्ट खाली है यहाँ पर। ठीक है, 31 जनरल की है, ऐसे ही यहाँ पर जो है अदर कैटेगरी में भी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, राजस्थान PSC में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने का चांस आपके पास है। अब देखते हैं हम कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जिससे आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है जो आप जो है ये PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं नोट, इंस्ट्रक्शन जो भी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन जो कि पदक्रम संख्या 26 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन
रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड टू ईयर ड्यूरेशन, एमपीएड टू ईयर का होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एंड जो है पब्लिक गवर्नमेंट। तो इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। एक होता है ग्रेजुएशन स्नातक और एक होता है ग्रेजुएट स्नकोत्तर, ठीक है। जिसमें स्नातक में आपका बीपीएस आ जाता है, बीपीएड आ जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन में। एंड ग्रेजुएट में आपका आता है एमपीएड। सो आपके पास एमपीएड होना चाहिए इसमें। अगर आपके पास एमपीएड है तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफाई हैं, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया है। सो ये देखा हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि फिजिकल एजुकेशन की जो ये वैकेंसी है इसमें एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट कितने पेपर होंगे, कौन से कितने मार्क्स का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकेंड होगा तो कितने कितने नंबर का जो है सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये डिटेल्स भी हम इस वीडियो में नीचे देखेंगे। साथ ही एज क्राइटेरिया क्या है और उसमें किसको कितने साल की छूट यहाँ पर मिल रही है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी और जो कोच का है, कोच का सिलेबस क्या है, ये भी इस वीडियो में हम नीचे देखेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पर, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर है। 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से कम आयु आपकी होना चाहिए। अगर बात करें राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष, उनके लिए यहाँ पर जो है अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी गई है आयु में। और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक कमज़ोर रूप से जो महिलाएँ हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। और सामान्य अनारक्षरित वर्ग की जो महिलाएँ हैं जनरल कैटेगरी की, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। बात करें विधवा और विछिन्न विवाह परित्यक्ता महिलाएं जो होती है उनकी पोस्ट भी यहाँ पर है, उनकी जो है अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज की जो विधवा महिलाएं हैं वो इसमें एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए, ठीक है। ये थी यहाँ पर आयु में छूट कि किसको कितनी छूट मिल रही है। और भी यहाँ पर है कि जैसे एनसीसी में जो कैडेट हैं उन्होंने जितने साल एनसीसी में काम किया है उतने साल की छूट यहाँ पर, मतलब एनसीसी में रहे हैं उतने साल का यहाँ पर छूट दी गई है कि आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर है ये नोट, आप जो है नोटिफिकेशन आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, ठीक है। परीक्षा का स्थान व महा अभी सूचित किया जाएगा, अभी फिक्स नहीं है। तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा जो है उत्तर पत्र उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पद्धति जो होती है ये कुल मिलाकर आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा मेरिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बात करें आवेदन अवधि की तो 5 मई से फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट होंगे और 4 जुलाई तक फॉर्म सबमिट होंगे, रात की 12 बजे तक यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। आवेदन की प्रोसेस क्या है तो आपको rpsc.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है फॉर्म सबमिट करना है। फ्रेंड्स फॉर्म सबमिट करने की फ़ीस कितनी लगेगी कैटेगरी वाइज ये भी हम आपको बताएंगे। सो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट साइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है परीक्षा शुल्क आपका रिफंड नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और अगर फॉर्म सबमिट करते टाइम कोई उसमें गलती हो गई हो तो संशोधन की जो फ़ीस है वो 500 रुपये आपकी यहाँ पर लगने वाली है। तो आप फॉर्म को बाकायदा अच्छे से जांचें, देखें, उसके बाद जो है सबमिट करें, ठीक है, ताकि उसमें कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है सभी प्रकार के संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपये निर्धारित है, ठीक है, ये उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो हम देखते हैं कोच का सिलेबस, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच। तो यहाँ पर जो है 450 मार्क्स का मैक्सिमम 40 मार्क्स सेल भी
पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, यहाँ पर सर्टिफिकेट के भी आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मार्क्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेपर फर्स्ट होगा 150 नंबर का और पेपर सेकंड होगा 300 नंबर का, टोटल 450 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, एंड सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको जो है 450 में से 40% नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट को आपका टाइम मिलेगा पेपर फर्स्ट में, और सब्जेक्ट रहेगा हिस्टोरी ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्टोरी विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल, और मैथमेटिक्स आपका सेकेंडरी लेवल का आएगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। ये है पेपर फर्स्ट, और पेपर सेकेंड का ड्यूरेशन है 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पेपर सेकेंड में सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल थ्योरी ऑफ मैथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, इट्स करंट अफेयर्स। तो ये था कोच का पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि आपको जो है सर्टिफिकेट के कितने क्या मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल लेवल और विनर नेशनल लेवल को 40 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। सेकंड पोजीशन अगर आपकी आती है तो 36 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड पोजीशन आपकी है तो 32 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आपने नेशनल में विनर हैं आप, ठीक है, स्टेट नेशनल या स्टेट में, तो 28 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेकंड पोजीशन लगी है आपकी स्टेट में तो 24 मार्क्स, और थर्ड पोजीशन पे 20 मार्क्स हैं। पार्टिसिपेट एट स्टेट लेवल, विनर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए 16 मार्क्स हैं, सेकंड पोजीशन पे 12 मार्क्स और थर्ड पोजीशन पे 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। पार्टिसिपेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर आपने ओनली डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया है, आपकी कोई सी पोजीशन नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर टूर्नामेंट दिए गए हैं। अब देखते हैं हम सबसे खास चीज़, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर 460 नंबर का टोटल पेपर होगा, फर्स्ट पेपर 200 नंबर का रहेगा और सेकंड पेपर 260 नंबर का यहाँ पर रहेगा। इसमें हम देखेंगे पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में आपसे जो है 200 नंबर का पेपर फर्स्ट रहेगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, अलग एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर रहेगा, और क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट के, तो जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी, और नेगेटिव मार्किंग सेल बी अवेलेबल इन द फॉर इवन रॉन्ग आंसर थर्ड ऑफ द मार्क्स। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है तो आप याद रखिएगा पेपर में, और 40% मार्क्स लाना टोटल में से कंपलसरी है। पेपर सेकंड में अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड 260 नंबर का आपका यहाँ पर होगा, 260 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 130 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। और सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स, थ्योरीज, डेफिनेशन एंड हिस्टोरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साथ ही एजुकेशन एंड गेम्स, साइकोलॉजी, मैथड, सुपर विजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजन, साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एजुकेशन, एनाटॉमी, फंक्शंस, हेल्थ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कैंप एंड योगा। तो इस सब्जेक्ट से आपके जो है फिजिकल एजुकेशन के सेकेंड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर सेम मार्क्स दिए गए हैं कि इंटरनेशनल लेवल, विनर एट नेशनल लेवल को 40 मार्क्स फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो परीक्षा शुल्क अगर बात करें कि कितने रुपए लग रहे हैं फॉर्म सबमिट करने के, फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षा शुल्कों में सामान्य जो है राजस्थान के क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 350 रुपये फॉर्म के लग रहे हैं, और राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले जो हैं उनका 250 रुपये शुल्क है, और निःशक्तजन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए जो है जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको 150 रुपये यहाँ पर फॉर्म सबमिट के लग रहे हैं, और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति समस्त 12 जिले की जो हरिया आदिम जाति है उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है 150 रुपये परीक्षा शुल्क दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना फिजिकल एजुकेशन जो वैकेंसी आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग
के द्वारा उसके बारे में ऑल कंप्लीट डिटेल्स। फिर भी अगर आपका कोई डाउट इश्यू हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ ही फिजिकल एजुकेशन के किसी भी सब्जेक्ट या डिग्री या डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं, सभी के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर। सो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने राजस्थान के सभी मित्र को जो है, सभी फ्रेंड्स को और जो भी इसमें एलिजिबल हैं उनको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।